जब भी हम दो या दो से ज्यादा बैटरीज को एक सिस्टम के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो सिस्टम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रोसेस में बैटरीज को अलग अलग वोल्टेज लेवल तक चार्ज और डिस्चार्ज कर देते हैं, जिससे कि बैटरी बैंक में वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। इस वोल्टेज डिफरेंस के कारण बैटरी बैंक में लगी कुछ बैटरीज ओवरचार्ज हो जाती हैं और कुछ बैटरीज अंडरचार्ज्ड ही रह जाती हैं। इसे हम एक एग्जांपल के तौर से समझते हैं। एक ट्यूबुलर बैटरी जो फुल्ली चार्ज होती है उसकी वोल्टेज 14.4 वोल्ट तक पहुंच जाती है और जब ये बैटरी लो होती है तो 10.5 वोल्ट पे पहुंच जाती है। अगर हम बात करते हैं 24 वोल्ट सिस्टम की तो ये सिस्टम 14.4 × 2 = 28.8 वोल्ट पे बैटरी बैंक को फुल शो करके चार्जिंग बंद कर देता है। सेम इसी तरह डिस्चार्जिंग में 10.5 × 2 = 21 वोल्ट पे बैटरीज को लो शो कर देता है। मान लीजिए हमारे 24 वोल्ट सिस्टम के साथ जो दो बैटरीज कनेक्टेड है उनमें वोल्टेज गैप होने के कारण बैटरी B1 की वोल्टेज 13 वोल्ट है और बैटरी B2 की वोल्टेज 12 वोल्ट है। इस वोल्टेज लेवल से जब दोनों बैटरीज चार्ज होना स्टार्ट होंगी तो बैटरी B1 की वोल्टेज 15.4 वोल्ट तक पहुंच जाएगी और बैटरी B2 की 13.4 वोल्ट पर होगी। इस टाइम पे बैटरी बैंक की टोटल वोल्टेज 28.8 वोल्ट होगी। 28.8 वोल्ट पे इन्वर्टर दोनों बैटरीज को फुल्ली चार्ज समझकर चार्जिंग बंद कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं बैटरी B1 अभी ओवरचार्ज है और बैटरी B2 अभी अंडरचार्ज है, पर इन्वर्टर ने चार्जिंग बंद कर दिया है। अब हम डिस्चार्जिंग प्रोसेस देखते हैं। जब मेंस डिस्कनेक्ट होगी तो इन्वर्टर दोनों बैटरीज को एक साथ डिस्चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। B1 बैटरी जिसकी वोल्टेज 15.4 वोल्ट थी वो डिस्चार्ज होकर 11.5 वोल्ट पे पहुंच जाएगी और B2 बैटरी 13.4 वोल्ट से 9.5 वोल्ट पे पहुंच जाएगी। 9.5 वोल्ट पे बैटरी डीप डिस्चार्ज स्टेज में होती है। इस स्टेज से बैटरी को चार्ज होने के लिए ज्यादा टाइम की जरूरत होती है, इसलिए नेक्स्ट चार्जिंग साइकिल में बैटरी B1 15.4 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज तक चार्ज होगी और बैटरी B2 13.4 वोल्ट से कम ही चार्ज हो पाएगी। इस प्रकार बैटरी B1 बार बार ओवरचार्ज होगी और बैटरी B1 खराब हो जाएगी, जिससे कि कस्टमर को बैकअप प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और कुछ टाइम के बाद बैटरी B1 डेड हो जाएगी। इस प्रॉब्लम की रेक्टिफिकेशन के लिए कस्टमर लोकल टेक्नीशियन या डीलर को कॉल करता है और डीलर या टेक्नीशियन खराब बैटरी को एक न्यू बैटरी से रिप्लेस कर देता है। एक न्यू बैटरी की टेंडेंसी होती है कि वो हाई वोल्टेज लेवल तक चार्ज होती है, जिससे कि ओल्ड बैटरी और न्यू बैटरी के बीच में फिर से वोल्टेज गैप क्रिएट हो जाता है और इस वोल्टेज गैप के कारण कस्टमर को फिर से सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बार बार प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद एक्सपर्ट्स कस्टमर को कंप्लीट बैटरी बैंक चेंज करने की सलाह देता है। कंप्लीट बैटरी बैंक चेंज करना कस्टमर को काफी कॉस्टली पड़ता है और साथ ही न्यू बैटरी बैंक में भी वोल्टेज गैप क्रिएट हो सकता है, मतलब कस्टमर को कभी भी इस प्रॉब्लम का राइट सोल्यूशन नहीं मिल पाता। ये एक साइक्लिक प्रोसेस बन जाता है। अब हम आपको इन सारे प्रॉब्लम्स का एक सिंपल सा सोल्यूशन बताते हैं। ये सोल्यूशन है सुकैम बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। सुकैम BMS इम्बैलेंस बैटरी बैंक को बैलेंस करता है। जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं अभी BMS के साथ कनेक्टेड सभी बैटरीज की वोल्टेज डिफरेंट है। अभी बैटरी B1 की वोल्टेज 12.5 वोल्ट है, बैटरी B2 की वोल्टेज 13 वोल्ट है, बैटरी B3 13.5 वोल्ट पे है और बैटरी B4 की वोल्टेज 12 वोल्ट है। ये ओवरचार्ज बैटरी के एक्स्ट्रा वोल्टेज को अंडरचार्ज बैटरी में फीड करता है और बैटरी बैंक की सभी बैटरीज की वोल्टेज को इक्वल करता है। इस प्रोसेस को हम इक्वलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं आफ्टर इक्वलाइजेशन सभी बैटरीज की वोल्टेज 12.75 है, जो कि इक्वल है। डिस्प्ले की हेल्प से हम इक्वलाइजेशन स्टेटस और साथ ही BMS के साथ कनेक्टेड बैटरीज का वोल्टेज लेवल देख सकते हैं। जैसे कि हम डिस्प्ले पे देख रहे हैं अभी BMS के साथ कनेक्टेड बैटरी बैंक की सभी बैटरीज की वोल्टेज 12.75 है। इसका मतलब है कि हमारा बैटरी बैंक अभी लगभग 50% चार्ज्ड है। BMS के साइड में चार स्विचेस प्रोवाइडेड है। पहला स्विच है एंटर। इस स्विच को प्रेस करके हम सिस्टम के सेटिंग्स में एंटर कर सकते हैं और बैटरी कोलैबोरेशन कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं बैटरी की वोल्टेज स्लाइटली अप और डाउन होती रहती है। बैटरी कोलैबोरेशन में हम सिस्टम के साथ कनेक्टेड बैटरीज की वोल्टेज मैन्युअली सेट कर सकते हैं। ये BMS का एक यूनिक फीचर है। कोलैबोरेशन करने के लिए हम सबसे पहले बैटरी बैंक में लगी बैटरीज की वोल्टेज एक वोल्टमीटर के हेल्प से चेक करेंगे।
बैटरी वोल्टेज मैन्युअली नोट करने के बाद हम एंटर स्विच को प्रेस करेंगे। जैसे ही एंटर स्विच प्रेस करेंगे तो BMS के डिस्प्ले पे सेट कोलैबोरेशन का मैसेज आएगा। इसके बाद हमें फिर से एंटर स्विच प्रेस करना होगा, जिससे सिस्टम के डिस्प्ले बैटरी B1 की वोल्टेज शो करेगा। इस वोल्टेज को हम मैन्युअली चेक की गई बैटरी वोल्टेज से मैच करेंगे। वोल्टेज बढ़ाने के लिए हम स्विच नंबर 2 को प्रेस करेंगे जो कि अप है, और कम करने के लिए हम स्विच नंबर 3 को प्रेस करेंगे जो कि डाउन है। इस प्रकार बैटरी B1 की वोल्टेज कोलैबोरेट करेंगे। इसके बाद हम फिर से एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद डिस्प्ले पे बैटरी B2 की वोल्टेज शो होगी। बैटरी B2 को भी हम बैटरी B1 की तरह ही कोलैबोरेट करेंगे। इसी प्रकार हम BMS के साथ कनेक्टेड सभी बैटरीज को कोलैबोरेट कर सकते हैं। सभी कोलैबोरेशन होने के बाद हम स्विच नंबर 4 एग्जिट और डिस्प्ले ऑन को प्रेस करेंगे और होम स्क्रीन पे आ सकते हैं। होम स्क्रीन पे BMS के साथ कनेक्टेड सभी बैटरीज की वोल्टेज शो होगी। अगर BMS की LCD डिस्प्ले पावर सेविंग के लिए स्लीप मोड पे चली जाए तो हम फोर्थ स्विच एग्जिट और डिस्प्ले ऑन को प्रेस करके डिस्प्ले को ऑन कर सकते हैं। BMS की हेल्प से बैटरीज इक्वल लेवल से चार्ज और इक्वल लेवल से डिस्चार्ज होती है, जिससे कि बैटरी बैंक में कनेक्टेड बैटरीज कभी भी ओवरचार्ज या फिर अंडरचार्ज नहीं होती, जिससे कि BMS के साथ कनेक्टेड बैटरी बैंक की लाइफ लगभग 30% बढ़ जाती है। ये इक्वलाइजेशन 3 ऑपरेटिंग मोड्स में करता है, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग और आइडल मोड। अब हम BMS की इंस्टॉलेशन समझेंगे। BMS को फंक्शनिंग करने के लिए किसी भी तरह की मेंस पावर की जरूरत नहीं होती, साथ ही BMS की सेल्फ कंजम्पशन भी जीरो होती है। इसकी कनेक्शन सिर्फ बैटरी बैंक के साथ होती है। इंस्टॉलेशन के लिए BMS की ब्लैक वायर को B1 के नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। उसके बाद BMS से आने वाली ब्राउन वायर B1 के पॉजिटिव और B2 के नेगेटिव कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे 12 वोल्ट के लिए। इसके बाद BMS की रेड वायर को बैटरी B2 के पॉजिटिव और B3 के नेगेटिव कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे 24 वोल्ट के लिए। इसके बाद ऑरेंज वायर को B3 के पॉजिटिव और B4 के नेगेटिव कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे 36 वोल्ट के लिए। ये सभी कनेक्शन करने के बाद BMS से आने वाली येलो वायर को B4 के पॉजिटिव पे कनेक्ट करेंगे 48 वोल्ट के लिए। SUCAM BMS की एक सिंगल यूनिट के साथ हम मैक्सिमम 4 बैटरीज अटैच कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो BMS के साथ 2 बैटरीज या 3 बैटरीज भी यूज कर सकते हैं। 2 बैटरीज के लिए हम सिर्फ रेड वायर तक ही कनेक्ट करेंगे, बाकी 2 वायर्स नॉट इन यूज रहेंगी, मतलब कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। 3 बैटरीज के लिए हम ऑरेंज वायर तक ही कनेक्शन करेंगे, येलो वायर नॉट इन यूज रहेगी। अगर हम मल्टीपल बैटरीज यूज कर रहे हैं तो हम उनके लिए मल्टीपल नंबर ऑफ BMS यूज कर सकते हैं। इसको हम इस चार्ट की हेल्प से देख सकते हैं। अगर हमें 2 बैटरीज से 4 बैटरीज के लिए BMS इंस्टॉल करना है तो हम एक सिंगल यूनिट इंस्टॉल करेंगे। अगर हमें 8 से 10 बैटरीज के लिए BMS इंस्टॉल करना है तो हम 3 यूनिट्स इंस्टॉल कर सकते हैं। BMS से हम हर टाइप का और हर साइज का बैटरी बैंक कनेक्ट कर सकते हैं। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को हम डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं। हम BMS को टेलीकॉम इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, जेनसेट और उन सभी इन्वर्टर्स के साथ यूज कर सकते हैं जहां 2 या 2 से ज्यादा बैटरीज कनेक्टेड हैं। SUCAM BMS सोलर कंपैटिबल है। SUCAM BMS एक सोलर सिस्टम में कनेक्टेड बैटरी बैंक के लिए भी बहुत जरूरी है। एक सोलर सिस्टम में जो बैटरी बैंक कनेक्टेड है उनका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग फ्रीक्वेंसी भी काफी ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से उनमें वोल्टेज डिफरेंस बढ़ जाता है। इस प्रॉब्लम की रेक्टिफिकेशन के लिए हम BMS यूज कर सकते हैं। BMS सोलर सिस्टम के साथ कनेक्टेड बैटरी बैंक को इक्वलाइज करता है, साथ ही बैटरी बैंक की लाइफ इंक्रीज हो जाती है।